लास्ट क्लास में हम लोग एसएचएम डिस्कस कर रहे थे और फिर सीधा कंटिन्यूएशन ये देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होता था इस फॉर्मेट में होता था x हो सकता है या y भी लिख सकते हैं x इक्वल a sin ओमेगा t + 5 या फिर y इक्वल a sin ओमेगा t + 5 ये जो 5 होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज तुम्हें अगर याद हो और ये जो होता था ये इनिशियल फेज कैसे मिलेगा इनिशियल कंडीशंस का यूज करके ठीक है ये इनिशियल कंडीशन का यूज करके मिलने वाला है ये x जो होता था ये तुम्हारा क्या था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन अब देखो मैं कुछ चीजें ये फाइव ये सब कैसे निकालना मैं बता देता हूँ जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला गया पार्टिकल जो है ये पार्टिकल मैं ऊपर ऊपर से क्वेश्चन दे रहा हूँ जो प्रैक्टिस करोगे तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ध्यान से सुनो एसएचएम एट टी इक्वल टू 0 एसएचएम विद टाइम पीरियड मान लो विद टाइम पीरियड या विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा तुम्हें अगर याद हो जो t के साथ है वही ओमेगा बोला क्या है एट t इक्वल टू 0 इट इज एट द मीन पोजीशन इट इज एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन पे लिख रहा हूं ये समझ लेना इट इज एट मीन पोजीशन इट इज एट मीन पोजीशन ठीक है बोला क्या फाइंड द राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं ठीक है एम्पलीट्यूड ए दिया गया है एम्पलीट्यूड मान लो ए amplitude a एकदम बेसिक इक्वेशन है अब यहां से सुन जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की आता है SHM के केस में तो हम लोग क्या लिखते थे a sin ओमेगा t + 5 हम लोग ये मान के चल रहे हैं ठीक है कि मीन पोजीशन 0 है ये मान के हम लोग चल रहे हैं x = a sin ओमेगा t + 5 लिख दिया बोला गया यहां से सुन at t = 0 इक्वेशन में क्या बोला गया t जब 0 है t इक्वल टू 0 ये कौन सा पोजीशन है हमारा मेन पोजीशन याद रखो मेन पोजीशन में वेलोसिटी 0 नहीं होता इस पॉइंट में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है v max है मेन पोजीशन में ये चीज याद रखो तो at t इक्वल टू 0 तुम्हारा मेन पोजीशन में जीरो मान लिया मेन पोजीशन असल में मेन पोजीशन वो पोजीशन होता है जिसमें फोर्स 0 होता है याद रखना फोर्स 0 है और हम लोगों को याद रखना फोर्स इज इक्वल इस फॉर्मेट में मानते हैं हम लोगों ने माइनस kx सो इसके बदले फोर्स 0 पुट करना था x इस केस में क्या आएगा 0 हमेशा x0 ये जरूरी नहीं है तुम लोग जो मैक्सिमम केस देख करोगे तुम लोगों के लिए जो आता है उसमें नॉर्मली x0 ही होगा ठीक है एंड मेन पोजीशन x = 0 ये मैंने लिख दिया क्योंकि फोर्स 0 है तो मुझे बताना यहां से क्या आ जाएगा a sin ओमेगा t + 5 का 0 आ गया इसका मतलब तुम देखोगे sin ओमेगा t + 5 = 0 अब यहां से सुनो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं sin 0 हो सकता है sin 2 पाई हो सकता है साइन टू पाई हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे हम नॉर्मली जब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है हम लोग मानते हैं कि ये राइट साइड जा रहा है कौन सा साइड जा रहा है मीन पोजीशन से राइट साइड की ओर जा रहा है ठीक है ये एम्पलीट्यूड था और ये एम्पलीट्यूड है राइट साइड जा रहा है मान लिया यहाँ पर देखो मैं एक काम कर रहा हूँ साइन जीरो का यूज कर लेता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ जीरो तो ओमेगा टी प्लस फाइव याद रखना यहाँ पे टी कितना था टी का तो जीरो था ना तो यहाँ पे टी के बदले क्या पुट कर रहा है मैं जीरो ओमेगा इनटू 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 मतलब 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 तो इस केस में इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा नोटिस करो a sin ओमेगा t तुम इस चीज को याद भी रख सकते हो अगर मन है तो मतलब नॉर्मली जब अगर तुम्हें बोला गया कि t इक्वल टू 0 पे वो मेन पोजीशन पे था जो उसका इक्वेशन होता है ना डिस्प्लेसमेंट का इस फॉर्म में क्या होता है a sin ओमेगा t ठीक है ये बात चीज अच्छी तरह से नोट कर लेना अब जल्दी से नोट कर लो इसको मैं अभी इसको हटा रहा हूं तुम लोग पॉज करके नोट कर लेना अभी मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड ध्यान से देखना मैंने बोला पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम्पलीट्यूड ए मान लो एट टी इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट टी इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट में था फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन से याद रखना तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमने मेन पोजीशन जब भी पूछा है तो ध्यान से सुनो मुझे पता है x इज इक्वल कितना होता है a sin ओमेगा t + 5 ठीक है इस केस में इतना दिक्कत वाला नहीं है देखो जब भी कुछ बोला नहीं है ये कौन से साइड में है तुम क्या मान लेना ये मान लो मेन पोजीशन है मेन पोजीशन के राइट साइड में मान लेना ठीक है सपोज
सबसे पहले तुम टी का जो जीरो ए के साथ क्लस ये देख के मत सोचना कि वो मेन पोजीशन में, क्योंकि अगर तुम्हें पता है ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मेन पोजीशन में ए की वेलोसिटी हो सकता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तुम्हें रेस्ट बोला गया तो वहां से तुम्हें हिंट मिलना चाहिए कि ये कौन से पोजीशन में, रेस्ट एक ही जगह पे हो सकता है, कौन से जगह पे, दो जगह पे, ये एक्सट्रीम या ये एक्सट्रीम। नॉर्मली मैं राइट वाला एक्सट्रीम ही मानता हूं, कुछ नहीं बोला है कि राइट में है या लेफ्ट में, तो ये राइट वाला एक्सट्रीम भी तुम नोटिस करो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना कितना है यहाँ से यहाँ तक, इस साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, एक्स का कितना मान सकते हैं हम लोग टी, तो एट टी इक्वल टू जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो से मुझे ये हिंट लगा कि वो कहां पे है, एक्सट्रीम पे, एक्स इक्वल टू ए, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे ये सर एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और ये कितना था, टी का वैल्यू जीरो था, मैं पुट करने वाला हूं साइन ऑफ ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव इस इक्वल कितना आने वाला है वन। मुझे बता ये वन कब आता है, तुम नोटिस करो साइन फाइव इस इक्वल, इसके भी बहुत सारे वैल्यू होंगे लेकिन हम लोग सबसे वाला छोटा वाला ले लेते हैं, साइन ऑफ क्या पाई बाई टू होगा, साइन पाई बाई टू लिखूंगा, तो नोटिस करो ये फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई टू, जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो आएगा ना ये कैसा आएगा, एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे या फाइव प्लस ओमेगा टी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ये जो आएगा ना यहाँ पे कैसा इक्वेशन आएगा देखो, ए पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, सो कॉस ओमेगा टी आ गया, ये एक्स इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी। अब तुम्हें अगर डाउट है इसको पुट करके देखो टी इक्वल टू जीरो पे ये कहां था एक्सट्रीम पे, तो टी जीरो पुट करो कॉस जीरो आएगा ये क्या हो जाएगा ई, ये समझ पा रहे हो, तो ये इक्वेशन आता है यार मेन पोजीशन में नॉर्मली ए साइन ओमेगा टी हो जाता है, एक्सट्रीम पे ए कॉस ओमेगा टी, हो सके तो याद रखना या फिर तुम्हारा प्रैक्टिस के साथ साथ ये अपने आप याद हो जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम ये सब आसान क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे और हार्ड क्वेश्चन पे चलता जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला गया, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा जस्ट ऊपर ऊपर से दे रहा हूं, इज परफॉर्मिंग एसएचएम, परफॉर्मिंग एसएचएम तुम साथ में लिख लो एसएचएम विद टाइम पीरियड टी इक्वल टू, विद टी इक्वल टू टाइम पीरियड में लिख देता हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 12 सेकंड, ठीक है, टाइम पीरियड 12 सेकंड है। बोला गया एट टी इक्वल टू 0 इट इज अ मीन पोजीशन, एट टी इक्वल टू 0 इट इज अ मीन पोजीशन, इट इज एट मीन पोजीशन। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, ठीक ये निकालना है, मतलब रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मतलब स्पेस में डिस्प्लेसमेंट। देखो टी इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन में था, तो मेन पोजीशन से फर्स्ट सेकंड में कितना गया और सेकंड सेकंड में, देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड दो सेकंड नहीं पूछा गया, एक फर्स्ट सेकंड है एक कौन सा सेकंड है दूसरा वाला सेकंड, ध्यान से सुनो यहां पे देखो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, टी इक्वल टू 0 इट इज अ मेन पोजीशन, एट टी इक्वल टू 0 मेन पोजीशन, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम तुम्हें ऑलरेडी पता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बता दिया था मेन पोजीशन से स्टार्ट करने का फॉर्मेट ये होता था, याद है फाइव जीरो आ रहा था ए साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये हो गया। तो मुझे पता था एट टी इक्वल टू 0 अगर कुछ नहीं पढ़ा मैंने बोला राइट साइड मानना, देखो सबसे पहले बात टाइम पीरियड 12 सेकंड, ठीक है टाइम पीरियड अगर 12 सेकंड है तुम अगर सोचोगे यहां से यहां जाने में मैंने बोला था एकदम फर्स्ट क्लास में यहां से यहां टी बाई फोर टाइम लगता है, ठीक है ये मतलब कितना सेकंड लगे टी बाई फोर मतलब 3 सेकंड यहां से यहां, मतलब अभी तुम अगर नोटिस करो डिस्प्लेसमेंट, नोटिस करो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में क्यों सेम होगा मैं बता रहा हूं। देखो फर्स्ट सेकंड में मान लो कि पहले सेकंड में पहले मेन पोजीशन पे था टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे क्योंकि एक ही साइड जाएगा अभी ज्यादा तो यहां से यहां ही जाएगा, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पे था तो ये मैं बोल रहा था एक्स फर्स्ट सेकंड, ठीक है सेकंड सेकंड में मतलब दो सेकंड में यहां तक पहुंच गया एक्स टू, ठीक है ये एक्स वन लिख दिया था ये एक्स टू लिख दिया। मुझे बता नोटिस करो इस केस में जो डिस्टेंस हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग है या सेम, सेम ही, और इसे मैं पॉजिटिव मानता हूं डिस्प्लेसमेंट को भी, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा
सेम होगा, क्योंकि नोटिस करो ये बस इस साइड जा रहा है, ऐसे घूम के नहीं आ रहा है। अगर घूम के आता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होता, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल है वो तुम्हें अगर निकालना है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। टाइम पीरियड अगर दिया गया, मुझे पता है ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स वन मतलब एट टी इक्वल टू वन सेकंड, एट टी इक्वल टू वन सेकंड वो कहां पे होगा, एक्स वन मैंने बोला था ना, एक्स वन लिख दिया, ए साइन ओमेगा कितना है तुम्हारा 2 पाई बाय टी कितना है, यहां पे देखो 12 सेकंड है, 12 इंटू कितने सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 सेकंड, सो ये कितना आ गया तुम्हारा, नोटिस करो ए साइन पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री हो गया रे, जल्दी से बना ना, 180 बाय 6 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री कितना होगा, क्या ये ए बाय 2 आया ना, कहीं तो मैंने गलती किया तो देख लेना एक बार, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड में ये कहां पहुंचा मुझे ये देखो, टी इक्वल टू 2 सेकंड में देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट का दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, तो फर्स्ट सेकंड में कहाँ पहुंचा डायरेक्टली दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड सेकंड मतलब 2 सेकंड में कहाँ पहुंचा उसका भी डिस्प्लेसमेंट देगा, याद रखना डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देता है, मीन पोजिशन पे, तो मीन पोजिशन से 2 सेकंड में टी इक्वल 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा ना, बस 2 सेकंड वाला यहाँ पे पुट कर दो, एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा, एक्स 2 लिख दिया, ए साइन नोटिस करना 2 पाई बाय ओमेगा होता है 2 पाई बाय 12 इनटू कितना सेकंड है 2, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा नोटिस करो, ये पाई बाय 12 था, ये पाई बाय 3 आ जाएगा 26, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, ए साइन पाई बाय 3 नोटिस करना, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 ए बाय 2, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछा है ये मैंने 1 सेकंड और 2 सेकंड में नहीं पूछा, फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड में यही हो गया एक्स फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इस इक्वल में इस साइड से यहाँ पे आ रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, इस इक्वल कितना हो गया तुम्हारा, इसमें सोचना नहीं है कितना लिखा था मैंने, ए बाय डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड, जो सेकंड सेकंड में ड्यूरेशन एक ही सेकंड का है, कहां से कहां तक ये सेकंड वेरी करेगा अगर तुम्हें याद होगा, कहां से कहां सेकंड होगा, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच जो कवर किया इसी को सेकंड सेकंड बोलते हैं, तो यहां पे कितना होगा नोटिस करो, ये देखिए तुम्हें समझ में आना चाहिए, एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, ठीक है, x2 माइनस x1 हो गया, x2 तुम्हें पता है रूट 3 a बाई 2 माइनस a बाई 2 होगा, अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इन दोनों का रेशियो निकालना, फाइनल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवलिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड x फर्स्ट x सेकंड, ऐसे अगर निकालना है रेशियो निकालना है तो ज्यादा देखो a बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये मैं एक ही साथ लिख देता हूं, रूट 3 बाई 2 a माइनस a बाई 2, नोटिस करो ये 2 लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा 1 बाई रूट 3 माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग इसमें जाते हैं, ये वाला अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टी के देखी लाइन में जा रहा था, यहाँ से रिटर्न नहीं आया, अगर रिटर्न आता तो क्वेश्चन हार्ड बनता, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन और एसएचएम को कैसे रिलेट करें। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलू, मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये मेन पोजिशन है, ठीक है, और ये वाला जो है ना ये एक्सट्रीम है, एस एच एम कर रहा है पार्टिकल, ये भी एक्सट्रीम है, क्वेश्चन है, ठीक है, एस एच एम है पार्टिकल, एक्सट्रीम पोजिशन है, और ये मान लो एम्पलीट्यूड है ए, और मान लो ये पार्टिकल जो है ना एट अ डिस्टेंस, ये जो दूरी है ना ये बोला गया तुम्हारा पार्टिकल जो है ए बाई टू पे है, पार्टिकल ए बाई 2 है और कुछ नहीं बोला, तो मान लो अभी राइट साइड जा रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि ये राइट साइड जा रहा है, तो बोला गया राइट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बोला गया राइट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मुझे पता है जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम अगर तुम लिखोगे, तुम क्या लिखोगे देखो, नोटिस करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखोगे, टी इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था मेन पोजीशन से a by 2, तो मैं बस क्या करने वाला a by 2 यहां पे पुट कर दिया, तो इसे करो a sin omega t plus phi, और इसमें जो आया omega into t के बदले में यहां पे लिख देता 0 plus phi, तो यहां पे क्या आएगा sin phi, तो इसे करो half आया, ठीक है, मतलब phi half आ गया, मतलब phi कितना, ये कितना डिग्री होगा, half किसके लिए आता है pi by
तो
ये पार्टिकल अगर इसमें होंगे, मान लो ये पार्टिकल का जो ये दिखेगा प्रोजेक्शन दिखेगा यहाँ पे कि इस वाले पॉइंट पे दिखेगा। अब देखो ये पार्टिकल फिर यहाँ पहुंचे, इसका प्रोजेक्शन कहाँ दिखेगा, मतलब ऐसे, ठीक है, इस वाले मतलब एक्सट्रीम पे दिखेगा। फिर यहाँ पे आया तो फिर से यहाँ पे आएगा, लेकिन इस देखो फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे दिखेगा। फिर ऐसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा सर्कुलर मोशन वाला, तो उसका प्रोजेक्शन क्या यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा। तो तुम अगर नोटिस करना, इस सर्कुलर मोशन का शैडो एक्स एक्सिस पे या फिर इस लाइन पे जो तुम्हें दिखेगा वो एक ऐसे चमकेगा। तुम्हें अगर दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट किया, कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अब शैडो दिखा, शैडो मतलब ये प्रोजेक्शन जिस लाइन ड्रॉ किया ना, ये देखो ये ऐसे शैडो घूम रहा है, शैडो ऐसे जा रहा है। देखो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसका देखो शैडो ये डस्टर है और ये तुम्हारा मार्कर जो है ये तुम्हारा पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रहा है। तो उसका शैडो देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या ये ऐसे यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद ये ऐसे जाएगा ना, तो इसका शैडो जो होगा पीछे जाएगा, ये पीछे जा रहा है, फिर से मेन पोजिशन में पहुंचा, फिर शैडो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पहुंचा, इसके बाद नहीं जा पाएगा, सॉरी यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे जैसा गया शैडो ऐसे गया। और इस ये शैडो ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये शैडो कौन सा मोशन कर रहा है, ऐसे ही विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीज को, ठीक है। और इस चीज का यूज करने वाले सबसे पहला चीज हम लोग करने वाले, पहले हम लोगों ने अभी तक देखा इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालना। इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने के लिए पहला, इसका पहला यूज, इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने के लिए क्या चाहिए नॉर्मल, हम लोग इनिशियल फेज जो निकालना है, इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे। मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि जैसे अभी इसको मैं क्वेश्चन ही बना देगा, तुम्हें पहले नोट कर लेना, इसको ड्रॉ करना है, जो भी करना है कर लो। अब मैं इसी को एक क्वेश्चन में बदल देता, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन कराया, ठीक है। ये देखो t इक्वल टू जीरो पे क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टिकल कहाँ पे था, a बाई टू पे, ये a बाई टू टू ही है, और ये कौन सा साइड जा रहा था, राइट साइड, एम्पलीट्यूड इसका क्या था, e। मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट का प्रोजेक्शन करूंगा इस सर्कल पे, या फिर इस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा इस सर्कल पे। सर्कल पे दो जगह पे ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन नोटिस करना कौन सा वाला होगा, क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्शन जो होता है सर्कुलर मोशन का एसएचएम लेना चाहिए। तो ऊपर ड्रॉ करोगे, नोटिस करो, तो ये ऐसे जा रहा है, तो शैडो ऐसे आगे जा रहा है, तो ये सही है। लेकिन अगर नीचे ड्रॉ करोगे, देखो ये सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज में ना, तो ऐसे जाएगा, तो इसको पीछे जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे जा रहा है, तो तुम्हारा कौन सा वाला प्रोजेक्शन होगा, ये वाला सही है, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब क्या करना, इनिशियल फेज निकालने के लिए ड्रॉ इनिशियल पोजिशन वैक्टर क्या है बताऊंगा, इनिशियल पोजिशन वैक्टर From center of circle to the point, मतलब कौन सा जो सर्कल पे तुमने पॉइंट ड्रॉ किया ना, वहां से, मतलब यहाँ पे देख, ये वाला सेंटर ऑफ सर्कल है, ये पॉइंट तुमने ड्रॉ किया, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करो, इसी को मैंने बोल दिया इनिशियल पोजिशन वेक्टर। ये मेरा बोलने का आदत है, इसलिए मैंने इनिशियल नाम नहीं दिया, इनिशियल पोजिशन वेक्टर। और यहाँ से याद रखना, यहाँ से इस लाइन से याद रखना, हमेशा इस लाइन से, ये वाला जो लाइन है इनिशियल फेस हमेशा इस लाइन से कैलकुलेट होता है, और एंगल जो कैलकुलेट होता है ये क्लॉकवाइज में होता है। एंगल कहाँ पे, तो एंगल मेजर्ड, मैं इसको बोलता हूँ ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। फाइव जो मेजर्ड होगा इनिशियल फेस वो ये वाला होगा फाइव, ये कहाँ से मेजर्ड होगा, फाइव मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लाइन, तुम्हें लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, बस मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लाइन इन द क्लॉकवाइज सेंस, रेफरेंस लाइन इन द क्लॉकवाइज सेंस यहां पे रखना फाइव, एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड इनिशियल पोजिशन वेक्टर, जो मैंने नाम लिया इनिशियल पोजिशन वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे निकालना बहुत आसान है, देखो मुझे फाइव चाहिए, ठीक है, फाइव ही वो इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज पता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें अगर याद होगा, x इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे a sin ओमेगा t + y, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा t आता है उस क्वेश्चन में, अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, एम्पलीट्यूड a / 2 है। तो ध्यान से सुनो, एंगल फाइव, ये फाइव मुझे निकालना है, उसके लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं, देखो ये डिस्टेंस कितना a / 2, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसी का प्रोजेक्शन है ना, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है a / 2, तो नोटिस करो मुझे ये लेंथ पता है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है a, तो ये a लिख दिया। ये एंगल मान लो कोई भी मान लो, रैंडम एंगल मान लो अल्फा मान लो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे cos अल्फा, ध्यान से देखो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, नोटिस करो
बेस है ये राइडेंगल ट्राइंगल है, नोटिस करो ये वाला, ये एक राइडेंगल ट्राइंगल है, ये राइडेंगल ट्राइंगल है, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस इज ए बाय टू हाइपोटेन्यूस इज ए, सो अल्फा का वैल्यू देखो हाफ आ रहा, हाफ मतलब कितना लिख जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ मतलब तुम्हारा अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, cos 60 डिग्री का हाफ होता है, 60 डिग्री मतलब कितना, π / 3, लेकिन मुझे बताना इनिशियल फेज जो था वो π / 3 नहीं है, वो π है, π कितना है तुम देख के बता सकते हो, π is equal to, ये देखो टोटल एंगल ये 90 डिग्री है, तो 90 से अल्फा को माइनस करना होगा, मतलब π / 2 - π / 3 को सोचो, 90 - 60 मतलब 30 डिग्री होगा, तो देखना ये π / 6 आएगा, अगर ये मिल गया इक्वेशन ऑफ x सच में जो तुमने थोड़े पहले निकाला था, x = कितना आ गया, a sin ओमेगा t + π / 6, मुझे पता है कि तुम्हें लंबा लग रहा है लेकिन हार्ड क्वेश्चन में ये काम में आता है, तुम लोगों के लिए नॉर्मली इतने हार्ड नहीं भी पूछ सकते, तो नॉर्मली लेकिन ये प्रैक्टिस कर लेना ठीक है, क्योंकि ये काम में आएगा, कहीं ना कहीं तुम लोग बुक से सॉल्व करोगे तो ये सब प्रॉब्लम में काम में आएगा, सेम आंसर मिल गया तुम्हें। अब दूसरा वाला केस मैंने बताया था जिसमें वो वैलिड नहीं था, ठीक है उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो, एक मिनट का टाइम ले, पॉज कर लो जल्दी से, अब यहां से सुनो नेक्स्ट वाला मैं लिखा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी सर्कल में मैं सब कुछ करना चाहूंगा क्योंकि बार बार इसको ड्रॉ करना मुश्किल है, यहाँ पे सब कुछ हटा रहा हूँ, अब क्वेश्चन में फिर से वही वाला क्वेश्चन कि तुम्हें दिया गया था क्वेश्चन में, ये जब लेफ्ट साइड आता है ठीक है, ये लेफ्ट साइड आता है, डिस्टेंस ए बाय टू था लेकिन इस बार लेफ्ट साइड आता है, तो तुम्हें बताना था इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और हमने बोला था वो सेम नहीं आएगा याद है, मुझे बताना इस केस में जो प्रोजेक्शन होगा सर्कल पे, ये सर्कल पे जो प्रोजेक्शन मतलब इस सर्कल का कौन से पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, को सोचो ये लेफ्ट जा तो ऊपर ड्रॉ करके राइट जाना चाहिए ना, तो ये वाला पॉइंट ही प्रोजेक्शन हो सकता है ठीक है, तो ये वाला पॉइंट से मतलब इनिशियल ड्रॉ इनिशियल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर दो, इसी को मैंने इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल दिया, मतलब ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ठीक है, अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस एंगल जो होगा ना, एंगल जो होगा एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड कौन सा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये कौन सा सेंस में लेना है क्लॉकवाइज, तो यहां से लोगे क्लॉकवाइज मतलब ये एंगल फाई होगा ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस a / 2 है तो ये भी a / 2 है, और ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल ही है ना, ये a मान लो, ये एंगल अल्फा मान लो, फिर से देखो cos अल्फा जब निकालोगे cos अल्फा कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कितना a / 2, हाइपोटेन्यूस कितना है a, सो a / 2 / a कितना आ गया ये हाफ, सो अल्फा इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास, cos अल्फा मतलब π / 3 आ गया, लेकिन नोटिस कर रहा इस बार एंगल ये π नहीं है, π ये वाला एंगल, ये पूरा वाला ये एंगल कितना π / 2 और ये एंगल कितना अल्फा, सो π का वैल्यू कितना होगा, π / 2 + अल्फा मतलब π / 2 + π / 3, यहां पे देखो 3 आएगा 2 आएगा 5 π / 6 आएगा, तो जो इस बार इक्वेशन ऑफ एस एच एम होगा ना, इक्वेशन ऑफ एस एच एम हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मान ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय सिक्स, ये हो गया इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये हो गया करेक्ट आंसर, उस केस में अगर दूसरे तरीके से अगर निकालने जाते हो काफी दिक्कत आता है, इन इस केस से बहुत जल्दी सॉल्व, जल्द से नोट कर, और याद रखना नॉर्मली तुम लोग ये सब एस एच एम में करोगे ना, ये वाला लाइन लेना ही पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ से यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो इस लाइन का बार बार यूज होगा, और नॉर्मली जैसे कॉस ही यूज होगा दोनों केस में देखो कॉस ही यूज होगा ठीक है, जल्द से नोट कर, मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने करा था उसको भी इसी फॉर्मेट में करा था, एक्सट्रीम वाला केस में नोट करेंगे पॉज करके, अब ये वाला क्वेश्चन करा, यहाँ से सुनो मैं डायग्राम हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार डायग्राम ड्रॉ करना होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, तो देखा तो हटा ही देखा, तो इसे ड्रॉ कर लूंगा, क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखना जल्दी से, इस बार मान लो वही वाला क्वेश्चन जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये क्वेश्चन में बोला गया ये क्वेश्चन में ये एक्सट्रीम, चलो मैं एक्सट्रीम बाद में ड्रॉ करता हूँ नहीं तो मेरा सर्कल खराब हो जाता है, मैं बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे ये मेन पोजीशन था और मैंने पहले सर्कल को मैं पहले बना लेता हूँ ठीक है, सर्कल मैंने पहले से बना लिया, सर्कल नहीं लिया होता तो मैं खुद से बनाना है, सर्कल ही है, डायग्राम खराब है बस, तुम्हें मैंने बोला था एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इक्वेशन ऑफ एस एच एम, अगर कुछ नहीं बोला तो एक्सट्रीम राइट में मानना, तो यहाँ पे था
इसका एक ही प्रोजेक्शन होगा ये पॉइंट। तो पहले क्या करना है, ये रेफरेंस लाइन था सेंटर से यहां तक, यहां से यहां एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं। मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया, पोजीशन वेक्टर मैंने बोला था ना, ये p इक्वल टू 0 पे यहां पे था, p इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे था, p इक्वल टू 0 एक्सट्रीम। अब रेस वाला केस जो था वो वाला केस में करा रहा, तो यहां पे देखो, यहां पे तो सोचना नहीं है, रेफरेंस से यहां तक यही फाइव होता है, फाइव कितना है पाई बाय 2। सो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एसेलेरेशन कितना आ जाएगा, a sin ओमेगा t + फाइव ना, फाइव के बदले बस पाई बाय 2 पुट कर दो। तुमने थोड़ी देर पहले देखा था अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा, पाई बाय 2 + ओमेगा लिख सकते हो, cos ओमेगा t होता था वही वाला चीज। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और राइट साइड जा रहा है तो प्रोजेक्शन ऊपर होगा तो एंगल कितना बनाएगा, पाई कितना होगा 0 होता है, तो a sin ओमेगा t आता है। ये समझ में आ रहा है, ये इनिशियल फेज निकालने का तरीका है, ठीक है, ये इनिशियल फेज निकालने का तरीका है। अब मैं आगे इसको और एक्सटेंड करने वाला, नोट करो इसको जल्दी से। अगर मान लो मैं बोलता कि यहां पे कहीं है तो उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेना, जैसे यहां पे बोलता कि इस साइड है, देखो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा, ये बोल दिया कि ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, ये इस साइड था और इस साइड आ रहा है, तो प्रोजेक्शन कहां होगा, दो पॉइंट पे हो सकता है, ऊपर या नीचे, लेकिन याद रखना क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो अगर यहां पे ड्रॉ करते तो पीछे जाना चाहिए था, ये प्रोजेक्शन पीछे जाता तो ऊपर वाला पॉइंट होगा, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। तो तुम्हें जो एंगल निकालना होगा रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज में, तो ये वाला एंगल निकालना होगा, ये फाइव है, वो भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ये अगर डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है मान लो ए बाई टू, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बाई टू। ये एंगल निकाल दो अल्फा कॉस अल्फा, ये तो ए है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा, ठीक है, तो फाइव का वैल्यू भी निकल जाएगा। फाइव कितना है, ये देखो यहां से ये 9, ये 180, ये भी 90, तो 270 प्लस अल्फा या फिर 360 माइनस कर दो जो भी, तो ये फाइव हो गया। ये समझ पा रहे हो, फिर से एक बार रिकैप कर दो, अगर तुम्हें पॉज करके फिर से एक बार पीछे जाके देखो मैं क्या बोल रहा था, इसको मैं करा नहीं रहा लेकिन तुम कर सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम के लिए यूज हो। अब मैंने इनिशियल फेज निकालना सिखा दिया, ठीक है, अब बहुत बार ऐसे इक्वेशन पूछे जाते हैं, ये तो इनिशियल फेज या इक्वेशन ऑफ एसेलेरेशन निकालने के काम आ गया। नेक्स्ट इस वाले चीज का फिर से मैं यूज करने वाला हूं, इस बार इसमें यूज करने वाला, ध्यान से सुनना, ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन था, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका टू फाइंड टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, टू कवर, नेक्स्ट वाला यूज जो है सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है डायरेक्टली एक्स के फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल सकते, मैं बोलने वाला हूं में। और ध्यान से सुनो क्या करना है, इसमें टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं, मान लो मैंने बोला, मैं एग्जांपल के तौर से समझा दूं, मान लो मैंने ये बोला मैं सर्कल को पहले बना लिया, ठीक है, तुम लोग बाद में भी बना सकते हो, मेरा डायग्राम की वजह से हमेशा पहले बना लेता हूं। ये एक्सट्रीम है और ये मेन पोजीशन है, देखो ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो पहले बोला गया पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन है, मेन पोजीशन है और ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, मतलब मेन पोजीशन में प्रोजेक्शन इस केस में ऊपर वाला में होगा, ठीक है, ये वाला केस। अब तो ये वाला जो पॉइंट है t इक्वल टू 0 वाला, t इक्वल टू 0, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है मैंने बता दिया था, पोजीशन वेक्टर कहां से ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो यहां से यहां तक एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल दिया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब मान लो तुम्हें बोला गया, देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमेशा ये है वो जरूरी नहीं है, इस केस में प्रोजेक्शन ये वाला पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल था यहां पे इसलिए यहां पे हो गया। मान लो बोला गया आफ्टर टाइम टी नॉट, या आफ्टर टाइम टी, टी टाइम में ये मान लो डिस्टेंस यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस, कुछ भी मान लो रैंडम डिस्टेंस है, तो यहां पे ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम टी पे है, तो इसका प्रोजेक्शन इस साइड जा रहा है, तो मान लो इसका प्रोजेक्शन इस साइड होगा ना, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, मैं बोल देता हूँ फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे नोटिस करो टी पे कौन सा पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर।
तो तुम अगर नोटिस करोगे, मतलब तुम अगर देखो यहाँ से ये ऐसे गया, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ से इतना एंगल कवर किया, मतलब ये पोजीशन वेक्टर इतना घूमा यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो ये जो एंगल है ये एंगल घूमने वाला थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन, मैं पूरा लिख लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग भी साथ में लिखते जाओ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वैक्टर, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वैक्टर है, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वेक्टर, ये जो एंगल है ये एंगल कवर्ड कितने से घूम रहा था, अगर तुम नोटिस करो थीटा, ये अगर कितने से घूम रहा था, ओमेगा से, और कौन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर याद करें मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, यूसीएम में अल्फा क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो, तो तुम्हें अगर फॉर्मूला याद होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा ना, तो ये थीटा जो है ओमेगा से घूम रहा है, कितने टाइम में घूमा, टी में, तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इनटू टी, इसका यूज करूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी, इसका यूज होगा अभी, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, पॉज करो और नोट करो, मैं एक क्वेश्चन जल्दी से कराऊंगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास और एक वीडियो लेक्चर तुम लोगों को दूंगा, वो मैं शायद पेन टेबलेट से बना के दूंगा, उसमें भी आज क्वेश्चंस ही होंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में वहाँ थ्योरी होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में थ्योरी होगा, ठीक है, सबका लिखना हो गया, अगर ये लिखना हो गया मैं आगे बढ़ूंगा, देखो इसका यूज करना, मान लो क्वेश्चन में बोला गया, देखो इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पार्टिकल था, ठीक है, एक पार्टिकल है, और बोला गया है यहां पे नोटिस करना, टी ए पहले ए बाय रूट टू दूरी पे था, ए बाय रूट टू दूरी पे था, टी इक्वल टू जीरो पे इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड इसका बोला गया, मैं क्वेश्चन ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम समझ लेना, बाद में जब प्रॉब्लम करोगे क्वेश्चन तो फुल फॉर्म में मिल जाएगा, टाइम पीरियड जो है ये 12 सेकंड है, एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड ए बोला गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए बोला गया, और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द एक्सट्रीम, टू रीच द एक्सट्रीम पोजीशन, एक तो तरीका है टी इक्वल टू 0 पे, यहां पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाल लो, फिर उसमें फाइनली एम्पलीट्यूड ए पुट करो, इसमें सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसे करोगे तो सही आंसर नहीं आता, देखो इसको मैं इसी से करा रहा हूं, फाइनल टाइम टेकन टू रीच द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पहली बार कब पहुंचता है, मतलब पहली बार कब एक्सट्रीम पे पूछेगा, पहुंचेगा वो पूछा जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, इसको फिर से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज एम्पलीट्यूड होगा, तुम नोटिस करो इनिशियल यहां पे ये t इक्वल टू 0 पे था, फाइनल यहां पे होना चाहिए t इक्वल टू t पे, ये एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम वाला प्रोजेक्शन तो ये है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर को पी भी लिख रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन होगा, तुम नोटिस करो नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे का तो राइट जाना है, ऐसे घूम रहा है ना सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, तो इस साइड जाना चाहिए था, मतलब इस साइड, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला होगा, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये जो है ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मैंने अभी बोला था, मतलब ये जो एंगल है इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ मुख्य, मतलब एंगल इतना कवर किया, ये एंगल थीटा कवर किया, ठीक है, तुम देख सकते हो ये थीटा कितना है, तुम आराम से देख सकते हो एकदम आसानी से, ये a by 2 है, a by root 2 है, सॉरी ये a by root 2 है, और ये a है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे cos alpha या cos theta ही लिख देना, क्योंकि ये थीटा में एंगल थीटा ही है, मुझे पता है एंगल कवर थीटा है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिख सकता हूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना a by root 2, हाइपोटेन्यूज कितना a by root 2 divided by a, तो ये थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाय, क्योंकि 1 by root 2 होगा, सो थीटा पाई बाय 4 है, अब मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इज द एंगल कवर, थीटा इज इक्वल ओमेगा टी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां से ये वाला देखो ये यूज करना, तो थीटा इज इक्वल तुमने क्या लिख दिया 2 पाई बाय टी इनटू टी इज इक्वल पाई बाय 4, पाई बाय 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा, नोटिस करो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और ये ऊपर नीचे का a, कैपिटल t कितना है तुम्हारा, टाइम कितना, t कितना था मैंने दिया था 12 सेकंड, तो यहां से यहां कितना सेकंड लगा तुम्हारा 1.5 सेकंड, ठीक है 1.5 सेकंड, ये समझ पा रहे हो, a by root 2 से यहां तक कितना टाइम लगा तुम्हारा 1.5 सेकंड, नोट कर सकते हो इसको जल्दी से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला पॉज कर और नोट कर, चलो मैं आता हूं,
लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही करा। पार्टिकल एस एच एम, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एस एच एम, एस एच एम विद टी इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू 16 सेकेंड, एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए एंड टी इक्वल टू जीरो, इट इज अ मीन पोजिशन, इट इज अ मीन पोजिशन, मीन पोजिशन। मैं बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है नहीं, मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन ले रहा हूँ। बस सुनो, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस, ट्रेवल ए डिस्टेंस 3a by 2 from the mean position, 3a by 2 from the mean position। देखो डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, x is equal to a sin omega t, देखो एक चीज बता देता हूं, x is equal to a sin omega t होता है अगर यहां से स्टार्ट होता है, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है a, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम a हो सकता है, तो इससे अगर निकालने जाओगे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे x को 3a by 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a या उससे कम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, तो ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट किया था, बोला गया था मेन पोजिशन, मेन पोजिशन से स्टार्ट किया गया था बोला था, और कहाँ पे आना है इसको 3a by 2, देखो 3a by 2, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सर्कल को नीचे ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर में और जगह नहीं है, तो सर्कल को मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, मेरा सर्कल जो भी बन रहा समझ लेना। यहाँ पे देखो इसका जो रेडियस होगा एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, एम्पलीट्यूड ए बोला गया है, टाइम पीरियड कितना बोला गया 16 सेकंड, और तुम्हें टाइम बोला गया 3a by 2 कवर करने के लिए, लेकिन 3a by 2 कवर करने के लिए कुछ नहीं बोला, तो राइट साइड जा रहे मान, पहले पहले a कवर करेगा, देखो 3a by 2 को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, 3a by 2 इज इक्वल टू क्या, मैं a plus a by 2 लिख सकता हूं, मतलब पहले वो a गया, फिर रिटर्न कितना आया a by 2, नोटिस करो ये कहां जा रहा है, पहले ऐसे गया फिर रिटर्न आ रहा है ना, पहले मतलब ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। देखो t इक्वल जीरो पे यहाँ पे था, और t इक्वल t रैंडम टाइम t पे 3a by 2 कवर करने के बाद यहाँ पे होगा, तो t इक्वल जीरो का प्रोजेक्शन राइट साइड जा रहा है, कुछ नहीं बोला तो इनिशियली हमेशा ये मान, तो t इक्वल जीरो का क्योंकि क्लॉकवाइज में है, तो यह यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा, ये इनिशियल पोजिशन वेक्टर हो गया, देखो ये इनिशियल पीबी आईबीबी लिख दिया और छोटा बना लिया, ये जो है इसका जो प्रोजेक्शन होगा, देखो राइट साइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये ऐसे जाएगा, ये अगर इस साइड होगा तो राइट साइड जाना चाहिए था, लेकिन ये जा रहा है लेफ्ट साइड, तो पोजीशन कहाँ होगा इसका, नीचे ये वाला है, ये कौन सा पोजीशन वेक्टर हो गया तुम्हारा, फाइनल पीवी, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, या फिर अगर मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर बना देता हूँ, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये दूरी देखो ये a by 2 है, तो ये भी दूरी तो a by 2 ही बचेगा ना, तो ये वाला लेंथ कितना होगा a by 2, ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया, देखो थीटा जो एंगल कवर्ड है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऐसे था, यहां से लेके यहां तक कवर किया मान सकते हो, क्या यही तुम्हारा फाई होगा, ये फाई होगा यहां से लेके यहां तक, सॉरी फाई नहीं थीटा, एंगल कवर्ड जो होता था इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहां पे ऐसे था, देखो ऐसे घूमा 3a by 2 कवर किया ना पहले, ये फिर 3a by 2, सो ऐसे घूम के यहां है, मतलब एंगल कवर्ड ये हुआ थीटा, थीटा कितना होगा नोटिस करो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और अल्फा में निकाल सकता हूँ, देखो कि a by 2 है, ये a है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बहुत बार यूज कर सकता हूँ हम, cos अल्फा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूस, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, cos कितने डिग्री के लिए आता है, 60 डिग्री के लिए हाफ होता है तुम्हें अगर याद हो, ठीक है। अब मैं फिर यहां से ये इसका यूज करने वाला, अब देखो थीटा तो मुझे मिल गया, यहां से देखो मुझे यहां से मुझे ये सब बता दो, थीटा का वैल्यू मुझे कितना मिला, पाई बाय 2 प्लस अल्फा ना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, ये देखो यहाँ पे 3 5 पाई बाय 6 होगा, ये समझ पा रहे हो, 5 पाई बाय 6, तो मैं अगर ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 5 पाई बाय 6, थीटा 5 पाई बाय 6 आ गया, तो मुझे बता थीटा को मैं क्या लिख सकता, अभी बताया था एंगुलर वेव फिगर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगल कितना टाइम में कवर किया, थीटा इज इक्वल ओमेगा टी के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल 5 पाई बाय 6, ओमेगा कितना 2 पाई बाय टी इन इक्वल 5 पाई बाय 6, तो यहां पे नोटिस करो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टी का वैल्यू आएगा ये 5 है, 5 इनटू टी बाय 12 आया, 5 इनटू टी कैपिटल टी है ये, 16 सेकंड का टाइम पीरियड बाय 12,
फाइव इंटू जब इस ये फोर से जाएगा ये फोर थ्री जा ठीक है फाइव फोर जा ट्वेंटी ये 20/3 सेकंड आएगा ठीक है ना। कहीं पर कुछ गलती किया गया कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो तो इसको एक बार देख ली ठीक है। चलो आज के लिए मैं इससे रिलेटेड बस इतना ही करा रहा हूँ। इसके बाद और एक लेक्चर में बनाने वाला हूँ जो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही होगा ठीक है। जल्दी से नोट कर लेना, पॉज कर लो और नोट कर लेना। थैंक यू।